प्रदेश में 1550 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। पुलिस विभाग ने प्रदेश में 1550 सिपाहियों की भर्ती कसरत तेज कर दी है। आईजी हेडक्वार्टर के स्तर पर इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक कुमार के साथ बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाना है। अगले एक सप्ताह में भर्ती के लिए अध्याचन शासन को भेजा जा सकता है। इसके बाद शासन से हरी झंडी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल प्रदेश में करीब 3000 सिपाहियों की कमी है। इनमें से 1425 पदों पर गत वर्ष भर्ती की जा चुकी है। रुद्रपुर, हरिद्वार, टिहरी, रामनगर, पिथौरागढ़, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ये सिपाही 8 महीने बाद पुलिस के मानव संसाधन में जुड़ जाएंगे। हाल ही में एक समारोह में इन सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी को सिपाहियों के रिक्त अन्य 1500 पदों पर शीघ्र भर्ती कराने के आदेश दिए थे। इसके बाद आईजी हेडक्वार्टर विम्मी सचदेवा ने अधीनस्थों के साथ बैठकर भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिया। आईजी हेडक्वार्टर ने बताया कि उनके स्तर पर भर्ती के लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं। जल्द ही प्रस्ताव को पुलिस महानिदेशक के समक्ष रखा जाएगा। विदित हो कि कुछ समय पहले पुलिस विभाग में ग्रेड पे की समस्या का समाधान करते हुए 1700 मुख्य आरक्षियों को अपर उप निरीक्षक बनाया गया था। इससे खाली हुए मुख्य आरक्षी के पदों पर पात्र सिपाहियों की पदोन्नति की गई और अब शेष पदों पर नई भर्ती की जानी है। तो एक बहुत अच्छा मौका है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका चयन पिछली भर्ती में नहीं हो पाया। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस विभाग में सिपाही के रिक्त 1500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक सप्ताह बाद अध्याचन शासन को भेजा जाएगा। शासन से अनुमति मिलने पर भर्ती शुरू कर दी जाएगी। अशोक कुमार, डीजीपी उत्तराखंड।